नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मऊगंज से लौट रहे तीन लड़के नेपाली ढाबे के पास मनगवा के 5 किलोमीटर पहले ट्रैक से भिड़े। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक की हुई मौत, 2 अभी भी गंभीर रूप से घायल, जिनका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। शादी की खुशी मातम में बदले भाई की 28 जनवरी को हुई शादी। शादी की खुशियां मातम में बदली, भाई की हुई मौत, मनगवा के पास नेपाली ढाबे के पास हुआ एक्सीडेंट, 1 की हुई मौत, 2 गंभीर। तीनों लड़के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पाणन टोला के रहने वाले। हम आपको बता दें, जायसवाल परिवार में 28 जनवरी को शादी थी, जिसके लिए कार्ड छप चुके थे। रिश्तेदारों को कार्ड भेजने का सिलसिला प्रारंभ था, जिसके चलते मऊगंज में भी नजदीकी रिश्तेदारों को कार्ड देने जाना था। बीते दिन सुबह शुभम जायसवाल पिता सुदामा जायसवाल उम्र 28 साल पाणन टोला, जिनके सगे बड़े भाई की शादी थी, अपने 2 नजदीकी रिश्तेदार हम उम्र आशीष जायसवाल और विवेक जायसवाल के साथ एक मोटरसाइकिल से तीनों लोग निकले मऊगंज के लिए। मऊगंज रीवा से महज 64 किलोमीटर दूर है। मऊगंज में कार्ड देने के बाद सभी रिश्तेदारों को शादी में आने का न्योता दिया, उसके बाद चल दिए रीवा की ओर। जैसे ही वो मनगवा से 5 किलोमीटर दूर नेपाली ढाबे के पास पहुंचे थे, उनकी गाड़ी ट्रैक से टकरा गई। यह इलाका मनगवा से 5 किलोमीटर पहले पड़ता है, नेपाली ढाबा के पास का है यह मामला। मौके पर ही शुभम की हालत काफ़ी गंभीर नज़र आ रही थी, आशीष और विवेक की हालत भी काफ़ी ख़राब। तत्काल ही तीनों लोगों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां शुभम को देखते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की पुलिस चौकी में प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले करने की तैयारी की जा रही थी, तभी हमारी टीम ने नज़दीकी रिश्तेदारों से बात की। उनका साफ तौर से कहना, सुबह सवेरे तीनों बच्चे निकले थे, घर में शादियों का माहौल था, हमने कभी नहीं सोचा था हमारे घर की खुशियां इस तरीके से खराब हो जाएंगी। रीवा से बनारस जाने वाला यह मार्ग मनगवा से लेकर हनुमाना के बीच अक्सर ही खूनी एक्सीडेंट में बदल जाता है, वजह चाहे जो, जबकि यह मार्ग 4 लेन है। कहीं कुछ गड़बड़ होती है, फिर वह वाहन चलाने वालों की गलती हो या फिर किसी और की, मवेशी भी इस रास्ते में अक्सर आ जाते हैं, जिनकी वजह से इस तरीके के हादसे होते हैं। किसी न किसी परिवार का खुशियां मातम में बदलती हैं, किसी न किसी परिवार का नज़दीकी उनके साथ हमेशा के लिए बिछड़ जाता है। शुभम और उनके दोनों दोस्तों ने शाम को अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से विदाई ली, इस वादे के साथ 28 जनवरी को रीवा में मिलते हैं भाई की शादी। लेकिन सादे वादे धरे के धरे रह गए, खुशियां मातम में बदल गई। परिजनों से जब हमने बात की तो उनका भी साफ तौर से कहना था, सब कुछ ठीक था, मऊगंज शादी के कार्ड देने जाना था। शुभम ने तय किया कि वो मोटरसाइकिल से जाकर कार्ड देकर चला आए, जिसके लिए उसने अपने 2 नज़दीकी रिश्तेदारों को तैयार किया। तीनों लोग मऊगंज गए थे, हमें बाद में पता चला। वहाँ कार्ड देने के बाद शाम को जैसे ही वो निकले मनगवा के 5 किलोमीटर पहले लगभग नेपाली ढाबे के पास उनकी मोटरसाइकिल ट्रैक से टकरा गई, जिसकी वजह से शुभम को गंभीर चोट आई, उसके साथियों को भी काफ़ी चोटें हैं। सुनिए पूरे मामले को लेकर परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। कहाँ हुआ, कैसे हुआ? ये मनगवा से 5 किलोमीटर पहले ये लोग मऊगंज से आ रहे थे कार्ड बांट के, तभी एक्सीडेंट हुआ है। बाइक से थे तीन लोग। कार्ड कैसा कार्ड मार्ट? शादी का कार्ड था, उनके बड़े भाई की शादी थी, जो मऊगंज से लौट रहे थे। 7:30-8 के दरमियान इनका एक्सीडेंट हुआ है। रात। शादी कब थी? 28 की शादी थी। आपका नाम? राजेश कुमार जायसवाल, पाणन टोला। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।